नवरीत के परिवार से मिली प्रियंका, बोली मैं और मेरी पार्टी आपके साथ, व्यर्थ नहीं जाएगा बेटे का बलिदान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान के परिजनों को सांत्वना देने रामपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने परिवार से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं और मेरी पार्टी आपके साथ है, आपके बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रियंका गांधी सुबह अपनी कार से दिल्ली से रामपुर के लिए रवाना हुई। वहीं प्रियंका गांधी के काफिले में चल रही कारें हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में नेशनल हाईवे 9 फ्लाईओवर पर हादसे का शिकार हो गई। अचानक ब्रेक लगने से 2-3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हालांकि प्रियंका गांधी की कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि कार कार्यकर्ताओं की थी। इस दौरान नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बता दें कि पिछले महीने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान नवरीत का ट्रैक्टर एक पुलिस बैरिकेड से टकरा गया था और उस हादसे में उनकी जान चली गई थी। इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो फुटेज भी जारी किया था, जिसमें ये देखा गया था कि आईटीओ के पास पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में तेज रफ्तार से आ रहा ट्रैक्टर पलट गया और कुछ लोगों के ऊपर गिर जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि इस दुर्घटना के कारण ही उसकी मौत हुई थी।